हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे क्लास 12 बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व। इस कर्व के अलोंग हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, ये देख सकते हो आप फिगर में। ए सोल्जर प्लेस्ड एट 3.7, इस पॉइंट पे एक सोल्जर को प्लेस किया गया है। वॉन्ट टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर वेन इट इज नियरेस्ट टू हिम। हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है तो ये सोल्जर उसको शूट करना चाहेगा जब वो उसके सबसे नज़दीक है, यानी ये डिस्टेंस है डी, ये हमें यहाँ पे मिनिमम चाहिए, कम से कम चाहिए। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है इफ पी, ये पॉइंट पी गिवन है और इस वाले कर्व पे है। फाइंड द डिस्टेंस डी फ्रॉम पी टू द सोल्जर प्लेस्ड एट 3.7। तो ये डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस पर एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो डी कितना होगा, अंडर रूट में वाई वन माइनस सेवन या एक्स वन माइनस थ्री का स्क्वायर वाई वन माइनस सेवन का होल स्क्वायर। और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं और वाई वन माइनस सेवन, वाई वन माइनस सेवन ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक्स वन की पावर टू की पावर टू ऐसे हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस है हमारी इन टर्म्स ऑफ एक्स वन ऐसे आ जाएगी, एक्स वन की पावर फोर प्लस एक्स वन का स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वन प्लस नाइन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इतना ही होगा। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट सच दैट डिस्टेंस इज मिनिमम। ये जो डिस्टेंस है इसको हमें मिनिमम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। और डी स्क्वायर को एफ एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एफ एक्स हमारा इतना हो गया, तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, वेरिएबल इसमें एक्स वन है, तो फोर एक्स वन क्यूब टू एक्स वन माइनस सिक्स एक्स वन माइनस सिक्स। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको हमें यहाँ पे जीरो के इक्वल रखना होगा। तो इसमें से टू तो कॉमन आ जाएगा, तो टू एक्स वन क्यूब प्लस एक्स वन माइनस सिक्स, ठीक है, एक्स वन माइनस थ्री, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा थ्री। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो अगर हमें इसके फैक्टर करने हैं तो उसके लिए हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। अगर इसमें हम एक्स की जगह वन पुट करते हैं तो आप देख रहे हो कि ये जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब एक फैक्टर इसका हो गया एक्स माइनस वन। और अदर फैक्टर निकालने के लिए हमें इसको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए टू एक्स वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स वन स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन माइनस थ्री, तो प्लस टू एक्स वन सॉरी, तो ये हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो ये कट गया, थ्री एक्स वन माइनस थ्री तो प्लस थ्री थे और चल जाएगी आगे आप कर लेना। तो फैक्टर होकर हमारे ये आगे टू एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एक्स वन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो एक्स वन की वैल्यू वन आ गई और टू एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एक्स वन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो में आप देखोगे डी जो है लेस देन जीरो है, तो नो रियल रूट। ये मैंने निकाल के दिखाया नहीं है, आप कर सकते हो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी तरह। तो एक्स वन इक्वल टू वन इज क्रिटिकल पॉइंट जो इस क्वेश्चन में पूछा था। थर्ड पार्ट क्या है,
फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट सच दैट डिस्टेंस इज मिनिमम, वेरीफाई द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट दैट डिस्टेंस इज मिनिमम एट 1,8। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया एक्स इक्वल टू 1, और अगर एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू 8 आ जाती है। तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, अब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो डेरिवेटिव करके आया था तो 12x1 स्क्वायर प्लस 2x1, 12x1 स्क्वायर प्लस 2x1, और इसके अंदर में एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम। तो यानी मिनिमम डिस्टेंस x1 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 8 पे हो गई, हमारा थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में उसने और में पूछा है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड हेलीकॉप्टर। तो मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, वो हम यहां से निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा था d कितना था, एक बार देख लेते हैं, x1 की पावर 4 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 6x1। तो यहाँ पे ही मैं कर देता हूँ, इसमें हम x1 की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 और 1 2 11 5, तो अंडर रूट में 5 यूनिट्स। तो यानी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट में 5 यूनिट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था मैक्सिमम एंड मिनिमा का टेस्ट केस स्टडी। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।